स्टोरी जरा लंबी है, टाइम देना पड़ेगा। यहाँ रास्ते बहुत हैं मगर भटक नहीं पाओगे, ऐसा है ये शहर। बबुआ, ये चंपारण है, बिहार की शान है ये शहर। कुछ शहर कुछ गलियों की कहानी होती है और कुछ बेजुबा की भी। कितनी अजीब बात है, कुछ गलियाँ कुछ घर यादों की तरह होती हैं जो एक पल में ही अपने पास बुला लेती हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
आप इस दृश्य को देखकर चौंकिए नहीं, ये कोई अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी नहीं है, ये है हमारा बेतिया शहर। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर इस शहर के बारे में बात की जाए तो बिहार के सभी जिलों में किसी ऐतिहासिक जिले का अगर नाम लिया जाए तो तिरहुत प्रमंडल के चंपारण जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिले के रूप में 11 दिसंबर 1972 को वजूद में आने वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, जिसका मुख्यालय बेतिया है। बेतिया को बाग, पोखर, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र बेत का जंगल था। 1627 में मुगल बादशाह शाहजहां ने उग्र सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। इसी राजा उग्र सिंह ने बेत के जंगलों को कटवाकर बेतिया को बसाया, इसे अपने नई राजधानी बनाई। बेत के जंगलों के कारण ही शहर का नाम बेतिया पड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि कही जाने वाली इस ख्याति जिले का नाम एक अलग ही देश में पहचान है। इस जिले की चौहद्दी की बात की जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में नारायणी और गोपालगंज एवं उत्तर प्रदेश की सीमा है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा पूरब में पूर्वी चंपारण जिले की सीमा सटी हुई है। अगर यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5229 वर्ग किलोमीटर में ये जिला फैला हुआ है। इस जिला के 18 प्रखंड हैं, 315 पंचायत जिसके अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र, 2 लोकसभा क्षेत्र, 3 अनुमंडल, 3 नगर परिषद एवं 2 नगर पंचायत हैं। अगर आवागमन की बात की जाए कि यहाँ आने के लिए सुविधाओं की बात अगर होती है तो बेतिया से बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर के लिए बसों की अच्छी सुविधाएं हैं। राज्य के मुख्यालय पटना से बेतिया की दूरी महज 210 किलोमीटर है। रेलवे यातायात की बात की जाए तो यहां का मुख्य रेल मार्ग गोरखपुर होते हुए राजधानी दिल्ली सहित देश के लगभग सभी महानगरों से जुड़ा हुआ है। इस जिले के अनमोल रत्न जो देश के ही नहीं पूरी दुनिया में बेतिया का नाम रोशन किए हैं, उनमें फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी का नाम आता है। अपने 8 फिल्मों के लिए विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा भी यहीं से हैं। बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती बनने के बाद भी मनोज वाजपेयी और प्रकाश झा का अपने गांव से जुड़ाव अभी भी कम नहीं है। अक्सर ये लोग अपने गांव आते हैं और यहाँ वक्त भी बिताते हैं। यहाँ का मीना बाजार प्राचीन काल के समय से अब तक वैसे ही अपनी रौनक बिखेर रहा है। अगर शिक्षा की बात हो तो सरकारी मेडिकल कॉलेज से लेकर कई डिग्री कॉलेज यहाँ आबाद हैं।